हेलो फ्रेंड्स, मैं जिशान और आप देख रहे हैं नॉइस टेक। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 सैमसंग गैलेक्सी थीम्स जो आप यूज़ कर सकते हो मार्च मंथ में आपके सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस में। बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे थीम्स लगी है, मैं सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं एवरी मंथ लेके आते रहता हूँ। और अगर आपको उसके अलावा और भी कुछ वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। और भी अमेजिंग वीडियोज़ हम बनाते हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं टॉप 3 सैमसंग गैलेक्सी थीम। ये थीम यूज़ करने से पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इसका एक्चुअल फील चाहिए तो आपका जो डार्क मोड है उसे ऑफ कर दीजिए, तब इसका एक्चुअल फील आएगा। मुझे डार्क मोड बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब मैं थीम यूज़ करता हूँ तो डार्क मोड को ऑफ कर देता हूँ, तब जाके काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशन थीम बाय बूजो से। बात करें इसके वॉलपेपर की तो इसका वॉलपेपर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। रेड और व्हाइट स्ट्रिप मिल जाती है एक फ्लैग टाइप में, और सामने स्टार देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करेगा इसके डायलर की तो डायलर में हमको लाइट ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, और जो टेक्स्ट है वहाँ पर हमको कंप्लीट व्हाइट कलर देखने को मिलता है, जो देखने में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके मैसेजिंग की तो मैसेजिंग में हमको सेम चीज़ देखने को मिलती है, बस इतना कि जहाँ पे जो आइकन्स है उसमें भी काफ़ी कलरिंग हमको देखने को मिल जाती है, और जो अनरीड मैसेज होते हैं उसमें काउंटर आपको रेड कलर में देखने को मिलता है, जो कि देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके आइकन्स की तो इसके आइकन्स कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किए गए, सिस्टम्स के आइकन दूसरे थर्ड पार्टी आइकन्स को नहीं किया गया, और वो भी देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। काफ़ी अच्छा मतलब लाइट ब्लू कलर यूज़ किया गया, व्हाइट कलर यूज़ किया गया, और साथ साथ रेड कलर यूज़ किया गया। बात करें अगर नोटिफिकेशन पैनल की तो नोटिफिकेशन पैनल भी बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है, बस जो एक्टिवेटेड होते हैं मतलब जो फीचर एक्टिवेटेड होते हैं वो हमको ब्लू कलर में देखने को मिलते हैं, और जो डीएक्टिवेटेड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी जो काफ़ी कम कर दी गई है। बात करें अगर सेटिंग्स की तो सेटिंग्स में भी हमको बैकग्राउंड में ब्लू कलर देखने को मिल जाता है, और जो आइकन है वहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर यूज़ किया गया, जो उठ के दिख रहे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर जो टेक्स्ट में जो कलर यूज़ किया गया व्हाइट वाला वो भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और जो स्क्रॉलिंग बार है वो रेड कलर में हमको देखने को मिल जाती है, जो बड़ी अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। वहीं अगर हम बात करें इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको सेम जो फ्लैग था वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देखने को मिल जाता है, जो रात में काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर बात करें लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन में आपको सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिखता है। सेकंड थीम हमारे पास है सॉकर स्टेडियम। नाम से सुनकर लग रहा है कि कुछ सॉकर से रिलेटेड है। जी हाँ, यहाँ पे हमको एक स्टेडियम मिल जाता है और एक प्लेयर देखने को मिल जाता है जो अपनी चेस्ट पे फुटबॉल ले रहा है। ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके डायलर की तो डायलर भी काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे ट्रांसपेरेंसी भी हमको यहाँ पे दिखती है बैकग्राउंड में, वही सेम वॉलपेपर दिखता है, और जो कलर यहाँ पे यूज़ किया गया थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर यूज़ किया गया, और जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कलर में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करें मैसेजिंग की तो यहाँ पे मैसेजिंग में हमको सेम चीज़ देखने को मिलती है, और जो आइकन है वो कुछ शेप में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कलरिंग कुछ भी यूज़ नहीं की गई है। और वहीं पर जो अनरीड मैसेजेस होते हैं वो आपको व्हाइट कलर में आपको एक सर्कल में देखने को मिल जाते हैं। और बात करें अगर इसके मेनू की मतलब आइकन्स की तो यहाँ पे यार आइकन्स कम्प्लीटली चेंज दिख रहे हैं हमें, मतलब इसके सामने आपको एक थोड़ा सा सर्कल देखने को मिल जाता है। जो सिस्टम के आइकन्स है वो तो कम्प्लीटली चेंज दिख रहे हैं, जो थर्ड पार्टी आइकन्स है मतलब जो ऐप्स है उसमें आपको सर्कल एक देखने को मिल जाता है, एक रिंग मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल की तो उसका नोटिफिकेशन पैनल भी हमको काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। जो एक्टिव होते हैं वो आपको व्हाइट कलर में मिल जाते हैं, और जो डीएक्टिव ऑप्शन मतलब जो सेटिंग्स होती है जो डीएक्टिवेट होती है आपको ब्लैक कलर में थोड़ी सी देखने को मिल जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके सेटिंग्स की तो सेटिंग्स में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मिल जाती है, पीछे में एक आपको वही वॉलपेपर देखने को मिलता है स्टेडियम का, और जो यहाँ पे टेक्स्ट है जितना भी टेक्स्ट आपको मिलता है व्हाइट कलर में देखने को मिलता है, और थोड़ा बहुत आइकन में कलर यूज़ किया गया है। सेटिंग्स के जो आइकन है उसमें थोड़ा बहुत कलर हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करें इसके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको सेम वॉलपेपर मिल जाता है, मतलब जो प्लेयर आपको जो फुटबॉल अपने चेस्ट पे ले रहा है वही देखने को मिलता है। और बात करें अगर लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आपको एक न्यू स्टेडियम वाला एक वॉलपेपर मिलता है, जो अच्छा लगा मुझे। अगर आपको वो पसंद है तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो चेंज करके, और अगर फुटबॉल लवर हो तो शायद आपको ये थीम पसंद आए। बात करते लास्ट थीम की तो यहाँ पे हमको मिल जाती है जंगल व्यू UX। काफ़ी अच्छी मुझे थीम लगी, मैं सोचा आपके साथ इसको भी बिल्कुल शेयर किया जाए। इसके अंदर जो वॉलपेपर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है ये जंगल वाला कुछ सीन देखने को मिल जाता है, और वहीं पे अगर हम बात करें इसके डायलर की तो उसका डायलर कम्प्लीटली ब्लैक है, और जो फॉन्ट्स यहाँ पे हमको मिल जाते हैं जो कलर मिल जाता है टेक्स्ट का वो व्हाइट मिल जाता है, और थोड़ा बहुत कलरिंग यूज़ किया गया जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, सिंपल मिनिमलिस्टिक। और अगर आप ब्लैक लवर हो डार्क लवर हो तो ये थीम आपके लिए बोल सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी होने वाली है। वहीं पर अगर हम बात करें इसके मैसेजिंग की तो यार मैसेजिंग में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिल जाता है, मतलब कम्प्लीटली ब्लैक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत कलरिंग यूज़ की गई है, मतलब जो टेक्स्ट है वो व्हाइट में है, जो आइकन्स है उसके अंदर थोड़ा सा शेप वगैरह चेंज कर दिया गया है, और जो हेडिंग में हमको अनरीड मैसेजेस दिख रहा है उसमें ग्रीन कलर यूज़ किया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो मैसेज अनरीड होते हैं जिसे हम रीड नहीं करते, जो काउंटर है वो हमको कुछ येलो कलर में मिल जाता है, तो काफ़ी कलरफुल लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा। वहीं पर अगर हम बात करें इसके आइकन्स की तो इसके आइकन्स जो सिस्टम आइकन्स है उसे तो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया है, लेकिन जो थर्ड पार्टी आइकन्स है उसको कुछ भी नहीं किया गया, जो नॉर्मल होते वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते। और अगर हम बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल की तो नोटिफिकेशन पैनल में जो सेटिंग्स ऑन होती है मतलब इनेबल होती है वो ग्रीन कलर में मिलती है, और जो डिसेबल होती है वो रेड कलर में होती है, तो आप अच्छे से काफ़ी इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है।
वहीं पर अगर हम बात करें इसके सेटिंग्स की, तो यार सेटिंग्स ज़बरदस्त लगी मुझे, मतलब जो उसके आइकन्स है कम्प्लीटली कलरफुल लगे, काफ़ी अच्छा लगे, और बैकग्राउंड में पूरा कम्प्लीटली ब्लैक है, और जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में हमको देखने को मिल जाता है। और बात करें अगर इसकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो यार यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन पे हमको वॉलपेपर मिल जाता है वो सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये थी टॉप 3 थीम सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन्स के लिए। आई होप आपको तीनों थीम बिल्कुल पसंद आई होंगे। अगर आपको पसंद आती है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आप जब इसे लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हम और मोटिवेट होते हैं और इस तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।